वेलकम स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स में आज वेरिएबल्स के बारे में वेरिएबल्स और उसके टाइप्स के बारे में वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके दो टाइप्स जो है फर्स्ट है कंटिन्यूस वेरिएबल एंड सेकेंड है डिस्क्रीट वेरिएबल सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की डेफिनेशन में वेरिएबल की डेफिनेशन में अगर बात की जाए तो तीन बातें आती है अगर ये तीन बातें किसी भी चीज़ में देखी जाए तो दैट इज़ नोन एज वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल को हम क्या कहते हैं मेजरेबल कहते हैं इट शुड बी मेजरेबल यानी कि मेज़र कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं इट शुड बी काउंटेबल इट कैन बी कैटेगराइज काउंटेबल भी है नंबर्स में काउंट कर सकते हैं जैसे कि वेट हाइट एज लिट्रेसी रेट पॉपुलेशन के नंबर दैट इज़ नोन एज एक्सेट्रा हम काउंटेबल भी कर सकते हैं इट कैन बी कैटेगराइज कैटेगरी में डाल सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल कैटेगरी फीमेल कैटेगरी एक्सेट्रा इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं और मेजरेबल कर सकते हैं और कैटेगरी में डाल सकते हैं दैट इज़ नोन एज वेरीबल इनकॉम क्या कहेंगे वेरिएबल कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ सैम्पल ऑफ पीपल ईच पर्सन हैव डिफरेंट एज डिफरेंट हेयर कलर और वेट दीज आर कॉल्ड वेरिएबल अब हम जैसे देखिए सैम्पल में किसी व्यक्ति का सैंपल ले उसमें हर पर्सन की अलग अलग एज है अलग अलग हेयर कलर है अलग अलग वेट है तो ये वेरिएबल है पूरे सैंपल में पूरी पॉपुलेशन के अंदर हम अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं अलग अलग चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और हर व्यक्ति में जो जो कोई भी फीचर है वो सबसे डिफरेंट है अलग-अलग है जैसे सबके हेयर कलर अलग है सबके वेट अलग है जैसे सबके एजेस अलग है तो डेट इज़ नॉन एज हाइट अलग है तो ये सारे हम क्या कह सकते हैं वेरिएबल्स के नाम से जान सकते हैं यानी कि चेंजेस आ रहा है, जिसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहा है डेटा के अंदर उसको हम वेरिएबल मानेंगे इसके बाद बात करते हैं दो वेरिएबल है टाइप्स कंटिन्यूस डिस्किट सबसे पहले कंटिन्यूस के बारे में बात करता है ऐसा वेरिएबल जिसमें कोई नूमेरिकल वैल्यू में चेंजेस आ रहा है बट यहाँ पे फ्रैक्शन <coughs> के अंदर या फिर नॉट एग्जैक्ट फ्रैक्शन दोनों को इंक्लूड करेगा ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी व्यक्ति की हाइट देख रहे हैं तो 90 सेंटीमीटर है पहले फिर 90 से 150 तक आएगी तो उसको हम 90 से एग्जैक्ट 150 नहीं देखेंगे 90 से 91 भी आ रही वो भी देखेंगे 91 से 92 आ रही फ्रैक्शन में आ रही है या फिर फ्रैक्शन में नहीं आ रही है दोनों चीजें हम देखेंगे ऐसे वेरिएबल जो कंटिन्यूटी में है कंटिन्यूस है जो एक एक चीज को यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू को भी काउंट कर रहा है दैट इज नोन एज कंटीन्यूस वेरिएबल सो so इट may टेक इंटीग्रल वैल्यूज वन टू थ्री फोर डॉट डॉट फ्रैक्शनल वैल्यूज़ अगर वन टू थ्री फोर के बाद भी 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, फिर 2, फिर 2.1, पॉइंट वन फिर टू पॉइंट फिर इस तरीके से हम क्या करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू को भी देखेंगे और फ्रैक्शनल वैल्यू को भी देखेंगे तो दोनों वैल्यूज़ आ गए यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू और नॉट एग्जैक्ट फ्रैक्शन वैल्यू भी आ गई 1, 2, 3, 4 फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1 अपॉइंट टू टू अपॉइंट थ्री थ्री अपॉइंट फोर दैट इज़ ये कंटिन्यू में अगर देखा जाए तो ये वैल्यू नॉट एग्जैक्ट फ्रैक्शन है इनको भी हम काउंट करेंगे जैसे रूट हो गया रूट टू रूट थ्री रूट टू पॉइंट वन ये भी हमारा कंटिन्यूस वैल्यू में काउंट होगा फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ ए स्टूडेंट्स एस ही और शी ग्रोज सेज फ्राम नाइन्टी सेंटीमीटर टू वन फिफ्टी सेंटीमीटर वो टेक ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन द सारी वैल्यूज को हम काउंट करेंगे नाइन्टी से वन फिफ्टी है तो नाइन्टी से वन फिफ्टी की जितनी वैल्यूज आएगी उनको सबको हम काउंट करेंगे डिस्क्रीट वैल्यू वेरिएबल बिल्कुल अपोजिट है ओनली सर्टेन वैल्यू को काउंट करता है कंटिन्यूस में अनसर्टेन वैल्यू सारी आती है सर्टेन भी आती है अनसर्टेन भी आती है डिस्क्रीट में ओनली सर्टेन वैल्यूज़ आएगी ओनली फाइन जंप की वैल्यूज़ को चेंज करेगा जैसे वन और वन के बाद टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसके बीच की वैल्यू को नहीं देखेगा इट जम्प फ्रॉम वन वैल्यू टू अनादर बट डज नॉट टेक एनी इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन अब हमें समझ में आ गया है कि वन है और वन के बाद टू आ रहा है तो वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू इनको नहीं काउंट करेगा सिर्फ ये एक फाइनाइट वैल्यू को या फिर एक वन वैल्यू से अनादर तक जा रहा है उस वैल्यू को काउंट करेगा बीच की वैल्यू को काउंट नहीं करेगा इट जम्प फ्रॉम वन वैल्यू टू अनादर बट डस नॉट टेक एनी इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन दैम किसी भी इंटरमीडिएट वैल्यू को नहीं काउंट करेगा इट कैन नॉट टेक एनी फ्रैक्शनल वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू को भी काउंट नहीं करेगा जो फैक्शनल uh, वैल्यूज़ है उनको काउंट नहीं कर सीधे करेगा सीधे फाइनाइट वैल्यूज़ को काउंट करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए कि अगर हम हाइट देख रहे तो सिर्फ हाइट की फाइनाइट वैल्यूज़ देखेंगे जैसे वेट देख रहे तो वेट की फाइनाइट वैल्यूज़ है एज है ऐज की फाइनाइट वैल्यूज़ है एज फिफ्टी फाइव है से सिक्सटी uh, आया फिर सिक्सटी फाइव से फाइनइट वैल्यूस एक इन फाइनइट वैल्यूज़ को हम काउंट करेंगे तो वो हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल आ जाएगा तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल इसके टाइप्स है और वेरिएबल के आ, बारे में हमने बात करी कि मेजरेबल काउंटेबल और कैटेगरी या कैटेगराइज होते हैं थैंक यू